मस्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। चलो चलो, बॉस का मास्क बना दो। थैंक यू टिम्बकटू। ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। ये कैसे हो गया? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। You are fat, boss. Very, very fat. She is right, boss. She is right. ये टिम्बकटो की आवाज कहाँ से आई? वो देखेगा तो मुझ पे हंसेगा। लेकिन बॉस, मैं तो मिरर में देख ही नहीं रही हूँ। तुम इतनी स्लिम हो कि मिरर में दिख ही नहीं रही। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ये तो मैंने बोला नहीं, फिर मिरर कैसे बोला? Something is wrong, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बकटू है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है टिम्बकटू? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मस्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। कैट मोना, अटैक, अटैक! कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था। आज दिल को ठंडक मिल रही है। मिस्टर मस्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे। और फिर मेरा होगा। कैसा है मेरा प्लान? You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। यहाँ साइकिल चलाना मना है। रुको रुको, सुनो वीर, सुनो। अगर वीर साइकिल चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। केकी फेकी, चलो। बंटी स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम सब? डोंट वरी सर, प्रिंसिपल सर ने कॉरिडोर में साइकिल चलाने की परमिशन दे दी है। प्रिंसिपल मैं हूँ और मैंने परमिशन नहीं दी है। सॉरी सर। ये आज सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुमने सबको कहा कि मैंने परमिशन दे दी है। तुमने पहली बार ऐसी हरकत की है, इसलिए क्लास के बाद एक घंटे का डिटेंशन देकर छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी हरकत की तो देखना। सर, सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ सर, वीर तो मेरे साथ था। दो घंटे का डिटेंशन। लेकिन सर, ढाई घंटे का डिटेंशन। मेरे खिलाफ कोई तो साजिश कर रहा है, कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन कौन? मिस्टर मस्क्यूटा, आपने स्कूल में तो अच्छा हंगामा किया, अब जरा बाजार में भी ऐसा ही कुछ कर दो। ए दोस्तों, चॉकलेट्स और मिठाई खानी है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये लो।
अरे बच्चों हटो हटो, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। ए, भागो भागो बच्चों, शो भागो भागो, खबरदार एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया, चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग भी झूठ तो नहीं बोलेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वीर, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इनबिल्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि दिन भर तुमने आज क्या किया। कोई तो तुम्हें बदनाम कर रहा है, कोई जरूर तुम्हारा हमशक्ल है जो ये सब करके तुम्हें फंसा रहा है। दादाजी मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा। मैं जाके लोगों को समझाता हूँ, तुम चिंता मत करो। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा हमशक्ल यहाँ आएगा तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो देखो एकदम मेरे जैसा। अरे अरे क्या कर रहे हो, रुको रुको। जल्दी छूट गए, जल्दी छूट गए। प्रिंसिपल सर ने कहा है आज छुट्टी है, सब घर जाओ। रुक जाओ सब रुक जाओ, मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। वीर इस बार तुमको स्कूल से ही निकलवा दूंगा। हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय वीर। प्रिंसिपल सर को कहना मेरा हमशक्ल ये सब कर रहा था, मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूँ। सॉरी रोबो बॉय, सॉरी। इट्स ओके। Diving suit on. मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारा मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया। टिम्बकटू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ओ, तो तुमको मैड मैक्स ने भेजा है और तुम मास्क बनाने में एक्सपर्ट हो। वेरी गुड। ये रहा वीर का हमशक्ल जो वीर को बदनाम कर रहा था। वैसे वीर कहाँ है? ओ, वो स्कूल में है। सबको बहुत परेशान किया है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ।
मैंने कागज की कितनी सारी बोट्स बनाई है। पानी बरसते ही हम इन्हें चलाएंगे। हाय इमली, ऊपर देखो कितने घने बादल हैं। बरसात कभी भी आ सकती है। इमली, तुम इन्हें बोट्स कहती हो? बोट्स इसे कहते हैं। ये देखो, तुम्हारी बोट्स में तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती। मेरी बोट के बारे में क्या कहना है? इधर देखो। बंद करो ये जादू। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा जादू पब्लिक में ना करो। इसने इमली का मजाक क्यों उड़ाया? वो उसकी आदत है। सब कुछ नॉर्मल करो जल्दी। ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा और ये जिंटू भी कभी नहीं सुधरेगा। वीर, हम लोग बरसात आने पे रेन डांस ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। टिम्बक्टू, ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सतगंज में बरसात नहीं होगी। यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। फुर्सतगंज के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। फिर हम पानी के टैंकर को चला के उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों में पानी बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। जिंदगी भर बेवकूफी की बातें करने की कसम खाई है क्या? मुझे पानी का बिजनेस नहीं करना। जब बादल जम जाएंगे तो वीर उन्हें पिघलाने बादलों में जाएगा और वहाँ उसे कौन मिलेगा? बोलो बोलो। वहाँ उसे आप मिलोगे बॉस, और आप उसे पकड़ के यहाँ लाने की कोशिश करोगे, लेकिन बॉस वो आपको पटक पटक के मारेगा। I'm mad, very very mad. वहाँ मैं नहीं, लाइटनिंग रोबोट मिलेगा। ये लाइटनिंग रोबोट वीर को खत्म करके यहाँ लाएगा और मैं उसका पूरा सिस्टम स्टडी करके अपना नया रोबोट बनाऊंगा। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। हे लाइटनिंग रोबो, क्या तुम सच में बिजली फेंक सकते हो? अगर फेंक सकते हो तो बॉस को दिखाओ। जी, कितने दिनों से ये बादल ऐसे के ऐसे ही हैं। पानी बरस ही नहीं रहा, ना ही ये बादल अपनी जगह से हिल रहे हैं, और गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। दादाजी, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस तरह तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी और अकाल पड़ जाएगा। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। वीर, मैंने चेक किया है, ये बादल किसी ने साइंटिफिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करके जमा दिए हैं। मैं तुम्हें एक सिलेंडर दूंगा, उसके अंदर की दवा के पाउडर को तुम्हें ऊपर जाके वो बादलों पर डालना होगा। उसके डालते ही बादल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन बादलों को इस तरह कौन जमा सकता है और क्यों जमाएगा? ये तो पता नहीं, शायद कोई बरसात रोक के अकाल पैदा करना चाहता होगा। दादाजी, आप मुझे वो पाउडर सिलेंडर दीजिए, इसे मैं जाकर बादलों पे स्प्रे कर देता हूँ। मैं भी चलूंगी, मैं बादलों में कभी नहीं गई। मैं भी चलूंगा। ढेर सारी गाजर भी ले चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। दादाजी, दादाजी। दादाजी के घर में स्पेसशिप, ये कहाँ जा रहे? मैं चुपचाप चलकर सब देखता हूँ। ओके वीर। ओ हाँ, एक बात बताना भूल गया,
ये सिलेंडर धरती पे नहीं गिरना चाहिए, वरना इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। ओके दादाजी, मैं ख्याल रखूंगा कि ये सिलेंडर धरती पे ना गिरे। बाय दादाजी। बादल तो एकदम बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अच्छा, तुम दोनों पिकनिक करो, मैं बादलों के दूसरे एंड से हर तरफ ये केमिकल बिखराता हुआ आऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तो वीर ही है रोबो बॉय, मुझे तो पहले ही से शक था। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है यहाँ कोई है, कोई हमें बहुत नजदीक से देख रहा है। बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरा गाजर खाया, तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें मामे! बचाओ! मामे! दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है। मेरे लाइटनिंग रोबोट, इसको अपनी शान में ले लो। अब मैं चुलबुल को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे दुलत्ती मारी, हर एक लात का बदला लूंगा। बंटी मेरे दोस्त, मेरे भाई, सॉरी, तुम चाहो तो मेरी सारी गाजर खा लो। ओ, तुम कितने अच्छे हो। गाजर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? तुम तो बिजली खाओ, बिजली। ये कहाँ गायब हो गया? वीर बाबा, फिर नहीं मिलेंगे। वीर, तुम ठीक तो हो ना? थैंक्स इमली, मैं ठीक हूँ। ये सिलेंडर धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना पूरा फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। ये तो रोबो बॉय है, दूसरा कौन है? वीर, वो सिलेंडर नीचे नहीं गिरना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं गिरना चाहिए, उसे पकड़ो वीर। जी दादाजी। मेरे बदन से बिजली निकलना बंद
नहीं चुलबुल, चलो वापस चलना है। जिंटू बंटी ने बहुत कुछ देख लिया है, इसे सब कुछ भुला दो, जहाँ से ये आया था वहीं पे भेज दो। दादाजी दादाजी, मम्मी ने आपके लिए मिठाई भिजवाई है। सुनो वीर, पानी बरस रहा है, अब जाके कागज के बोट चलाएंगे। और चिल्बल, गाजर डांस भी तो करना है ना? गाजर डांस नहीं, रेन डांस। तुम लोग रेन डांस करना, मैं गाजर खा के गाजर डांस करूंगा। <नाक, नाक, नाक। laughs>